मयंक जल्दी आ, देख तेरे बेटे ने क्या कर रखा है। अभी नहला धुला के इसको तैयार किया था। अब देखो मायशु, दो सेकंड की, अभी तो आप पापा ने आपकी तारीफ की थी, आप इतने सुंदर लग रहे हो। दो मिनट पहले तो नए कपड़े पहनाए थे बेटू, फिर लोग बोलते कि आप इसको नए कपड़े क्यों नहीं पहनाते, बाथरूम खुला देख के पानी में कूदती है। मैं सोच रही थी बाथरूम साफ कर देती हूं, क्योंकि सुबह मैडम जी अपना बैठी हुई है, कर दिया मायशु ने कपड़ों का खराब, वापस ना रहा है बाथटब में बैठ के अपने, चाहता है कि बाथरूम में ना चली जाए। तेरी वजह से तो ध्यान नहीं रख सकती कमा सी। तू क्या कर रहा था? मैं तो वो स्टोरी लगा रहा था इसकी। वेरी गुड, आओ चलें, अब देखना मेरे, आप मामा के साथ चलेंगे, मुझसे लड़ेगी, मुझसे लड़ना मुश्किल लग, नहीं नहीं हो गया, बढ़ गया, हो गया, अब बाहर मत निकालो, सब कुछ गीला हो जाएगा। चाय देख रहे हो, खुद के बड़े साइज की बोतल लेके बच्चे की तरह इसमें सब करके पीती है। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बोतल है, ये शाय की फेवरेट बोतल है, ये मुझे बोन ब्यूटीज ने भेजी थी, पर ये बहुत अच्छी सेम इसके एक लीटर के शीरा ने भी भेजी थी। हाँ, ये सबसे अच्छा, इसलिए मैं इसको इसलिए मैं ट्रिपल एस मैं इसे दो बार पानी पीती हूं, और मेरा 50 लीटर का टारगेट जो पूरा हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, मैं जस्ट अभी फ्रेश हुई हूँ, शायर लिया है मैंने, अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल शायरस व्लॉग। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हैं, और शाय के सब्सक्राइबर्स जो हैं 7 लाख होने वाले हैं, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स या 11 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं, और कभी भी हो सकते हैं। बात नहीं करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि कितनी जल्दी होने वाले हैं, और घर वालों को बताएंगे कितना मजा आएगा। ओह यस, कमाक शाय के 7 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। नहीं, होने वाले हैं अभी तक। अच्छा, एक बार चेक करके बताइए कितने हो गए। 10-11 का फर्क बच रहा होगा। लिखा रहा है? अरे शाय, शाय 7 लाख हो गए हैं, 7 लाख हो गए, आप नहाने के घुसे, 7 लाख हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स। ये पार्टी टाइम, पार्टी टाइम, फाइनली हमने 7 लाख सब्सक्राइबर की, अब हमारी 7 लाख की फैमिली हो चुकी है। यस, ब्लॉग चैनल पे, शाय स्टाइल्स ब्लॉग पे। अभी कितने हुए? 7,12,000, यानी 12 सब्सक्राइबर। इसका रीजन होता क्यों है? इसका रीजन ये है कि हमारी जो मायशा की बर्थडे पार्टी वाला ब्लॉग है ना, वो ट्रेंड पे चल रहा है, ट्रेंडिंग 6 पे। ओह माय गॉड, मतलब इतने टाइम के बाद वापस से ट्रेंडिंग होना, इतनी अलग फीलिंग है ना, इतनी खुशी वाली फीलिंग है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। पहले हमारी शादी की वीडियो ट्रेंड पे गई थी, उसके बाद मायशा को डिलीवरी की हुई थी, उसके बाद अब आपको एक काम और करना है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि अब हमारी एनिवर्सरी पे भी आपको ट्रेंडिंग पे लेके जानी है वीडियोस। हाँ, आप लोगों को 1 में से 2 दिन बाद भी हमारी बहुत स्पेशल एनिवर्सरी टाइम समझ लो है, और उसके बाद फिर हमारी एनिवर्सरी 2109 तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैंने सोचा कि मैं घर वालों को पार्टी दूं, बट मैं पार्टी दूं कैसे, सब लोग डाइट पर है। कोई नहीं, हम साउथ इंडियन खाएंगे। हाँ, तो मैं इडली सांभर और डोसा मंगाया नहीं, मैंने सांभर मंगाया, मैं इडली घर की बनाती हूँ, तो मैं घर में जा रही हूँ इडली बनाने, मैंने बैटर पहले ही रेडी करके रखा। मम्मी उठे, मम्मी को बना के फिर बोल बताएंगे क्या हुआ है। मम्मी को तो वैसे कल मम्मी कह रही थी शायद तेरे ना 7 लाख होने वाले, पर किसी को इतना जल्दी अंदाजा नहीं था। मम्मी हमारे सब्सक्राइबर्स का और व्यूज का ज्यादा ख्याल रखती है। मम्मी उठ गई, मम्मी उठ गई, मम्मी उठ गई, सबके लिए इडली सांभर पूरी। बहुत टेस्टी से मिक्स वेज विद पनीर। गाइस, हमारा पनीर डोसा आ गया है। पार्टी टाइम खुशबू दीदी नहीं खा सकती क्योंकि उनके डाइटिशियन ने उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना कर दिया है, और मैं खा सकती हूँ क्योंकि मेरा इडली सांभर था, तो मैं इडली सांभर, मैंने घर की इडली बनाई है, और बाहर की इडली मैं अवॉइड करूँगी, घर की इडली खाऊंगी छोटी छोटी सी, और सांभर और रेड चटनी। अन्ना का डोसा से मैंने ऑर्डर किया था सांभर। पार्टी चल रही है, पार्टी सब कुछ भी दी। पार्टी अब तो नहीं रोएगी, ये पार्टी ऑब्वियसली हमारी हेल्दी पार्टी है भाई। हमारी इडली सांभर की पार्टी है। अरे यार, शाम को केक कटेंगे, केक काटेंगे मतलब।
तो गाइस वो एक मजाक था जिसमें मैंने बोला कि ये पार्टी है, कोई पार्टी नहीं थी एक्चुअली, मेरा लंच में था इडली सांभर, तो मुझे चाहिए था इसलिए मैंने बाहर से मंगवा लिया सांभर, घर में बना ली इडली। और घर वालों के लिए पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो यार छोटे छोटे ओकेजन्स को सेलिब्रेट करना किसको अच्छा नहीं लगता, आप सबको भी अच्छा लगता होगा, बस फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो दिन बन जाता है। तो हम शाम को, मैं सोच रही हूँ कि शाम को मैं कुछ पार्टी वगैरह जैसा कुछ कर लेती हूँ, मतलब घर में बना लूँगी या बाहर से मंगा लूँगी वो देखेंगे। मुझे रेडी होना है मेरी इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर भी करूँ। तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये मामा अर्थ की न्यूली लॉन्च ग्लो हाइड्रेटिंग कंसीलर विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। सो इन्होंने न्यूली लॉन्च किए हैं इनके कंसीलर्स इन 3 डिफरेंट शेड्स, तो ये तीनों ही शेड मेरे पास हैं। शेड है 01 आइवरी ग्लो, 02 क्रेम ग्लो, 03 न्यूड ग्लो। सो दिस कंसीलर विल गिव यू 2x इंस्टेंट glow, 12 hours hydration, this is dermatological tested and clinically tested to suit all Indian skin tone. तो मैं use करने जा रही हूँ ये दो shades 02 and 03. So दोनों ही काफ़ी अच्छे match है मेरे लिए. Okay, so इस तरीके का कुछ wand है and you can see my अभी under eyes अच्छे से. इस कंसीलर का फॉर्मूला यूनिक सीरम फॉर्मूला है, बहुत ही मक्खन की तरह ये कंसीलर अप्लाई हो रहा है और आप देख सकते हो मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ स्पंज की हेल्प से। एक्सलेंट ब्लेंडिंग है, परफेक्ट ब्लेंडेबल कवरेज ये आपको देता है, इसका कवरेज आप ब्लेंड कर सकते हो और इसे ब्लेंड करने के बाद आपको ये नेचुरली लूमिनस फिनिश देगा, बहुत ही सुंदर ग्लो आ रहा है ब्लेंड करने के बाद और फेस बिल्कुल हैवी नहीं लग रहा है, ये कंसीलर बिल्कुल भी हैवी नहीं है। इस कंसीलर के अंदर है विटामिन सी एंड टर्मरिक की गुडनेस। विटामिन सी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं टर्मरिक के अंदर, तो ये आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है जिसकी वजह से ये कंसीलर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन आपको देने वाला है। गाइज इस कंसीलर को आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये इंडियाज फर्स्ट मेड सेल्फ सर्टिफाइड कंसीलर है, कोई भी टॉक्सिन या कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। सो गाइज मैंने कंसीलर को ब्लेंड करके हाफ फेस को सेट किया है कॉम्पैक्ट की हेल्प से एंड यू कैन सी दिस साइड, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, बट ये वाला साइड कहीं भी यहाँ पे आपको ड्राई पैचेस या केकी नहीं लग रहा होगा, मेरा बेस बहुत ही सुंदर बहुत ही फ्लॉलेस सेट हुआ है। एनी साइड मैंने कंसीलर को सेट नहीं किया जैसे आपको दिखाने के लिए, यू कैन सी द ग्लो यू गाइज। गाइज लुक कौन आया है उनसे मिलने, यहाँ पे मायशु आई है, यस मायशु मामा का मेकअप छेड़ने आई है। सो आप मामा अर्थ के 3 डिफरेंट शेड्स हैं, इनमें से कोई भी शेड अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो एंड मेरा कोड जरूर यूज करना Shy 2022 to get 20% का ऑफ। ये कोड जो है सिर्फ और सिर्फ मामा अर्थ की वेबसाइट या ऐप पे एप्लीकेबल है, इनके सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं मामा अर्थ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, आप कहीं से भी बाई कर सकते हो। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना। अभी मुझे मायशु को थोड़ा खिलाना और ये मेकअप कंप्लीट करना। मायशु मायशु ब्लेंड करना है इसको, इसको ब्लेंड करना है, ऐसे ऐसे करो, हाँ ऐसे ऐसे करो। मायशु मायशु ऐसे ठुमुक ठुमुक करके चल देती हो आप, ऐसे ठुमुक ठुमुक करके कौन चलता है। मायशु को नए नए खिलौने मिले हैं, अभी अभी टॉयज मिले हैं, ये पॉपिट बैग उसको इंस्टाग्राम पेज में भेजा है, उससे मायशु खेलू खेलू कर रही है। बाहर एक बंदर आ गया था, उसे मैंने देखा भी नहीं, बस कामाक्षी ने ऊ किया और ऊ के चक्कर में मैं डर गई, मुझे लगा छिपकली, क्योंकि मुझे छिपकली से डर लगता है और मैं ऐसे भागी। ये जो यहाँ पे चेयर रखी है ना उसमें मेरा पैर, लास्ट जो फिंगर है ना, लास्ट वाली जो मेरी छोटी वाली है उंगली पैर की, उस पर इतनी तेज़ चोट लगी है, मुझे लंगड़ाना पड़ गया था, कम से कम 15 मिनट के बाद मैं ठीक हो पाई हूँ। सो गाइज आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल कुर्ता सेट, इट्स वेरी प्रिटी वेरी प्रिटी। ये भी इंस्टाग्राम पेज में भेजा था मुझे, तो मैंने अभी अभी जस्ट इसकी एक रील कम्प्लीट की है एंड यू गाइज कैन सी माई मेकअप, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। अभी तक 3 से 3.5 घंटे हो गए, अभी तक बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने बताया, कंसीलर बिल्कुल भी केकी एंड ड्राई नहीं लग रहा है। मामा अर्थ के ना बहुत सारी गुडनेस भी हैं, जैसे कि उनके प्रोडक्ट्स में कोई भी केमिकल नहीं है, वो नेचुरल हैं, दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड, येस गाइज। इसके अलावा प्लांट गुडनेस, जिसका मतलब है कि मामा अर्थ से आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो मामा अर्थ क्या करेगा, उस ऑर्डर को लिंक कर देगा एक प्लांट एक ट्री से, जिससे आप ट्रैक भी कर सकते हो। और मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का, सो इस इनिशिएटिव का पार्ट हो सकते हो। मामा अर्थ के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर ईजी शॉपिंग एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स एंड कूपन कोड्स। यस कामाक्षी, अभी हमारे साथ क्या हुआ था, बंदर आ गया था यार, भाभी ने मेरे को बोला कामाक्षी हिलना मत, और कामाक्षी गोली की तरह, और उससे पहले जो हुआ था वो किसकी गलती थी,
मैंने बस कहा था हू और आप जो भगे और आपको मोच आ गई तो बल्कि मेरे इतनी तेज लगी है कमाल की, मतलब ऊ मुझे लगा छिपका लिया शायद कूदने वाली है, मैं ऐसे भागी यार लोग देख लेते ना तो सच में वो शूट नहीं हो पाया, मेरे पैर में बहुत तेज लगी और मायशा उतनी देर से यहाँ ड्रामा ही कर रही है, मैं इसके ड्रामे को ये ओ शिट ये बुआ का चश्मा है, ये खुशबू बुआ का चश्मा है, मायशु मायशु ये आपने क्या किया मायशु, धुमता ना टाइम फॉर सेलिब्रेशन, फाइनली मैं मेरा केक लेके आ गया है 700K, मतलब बहुत जल्दी ये तो आपके ऊपर है कि कितना जल्दी हम क्रॉस करेंगे अपने 1 मिलियन गाइस, फाइनली हमारे एक और बटन हमारा गोल्डन प्ले बटन हमारे पास होगा, थैंक यू सो मच, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ और यस थैंक यू साथ देने के लिए फॉर एवरीथिंग। आपको मेरा पैर दिख रहा है दीदी, कुछ अलग दिख रहा है मेरे पैर में, आपको मोटा रखा है, सूझा हुआ है, उंगलियों में फर्क पहचानो कौन सी उंगली मेरी मोटी है, आराम से क्या? दिखा रही हूँ ना बहुत तेज पैर में चोट जो लगी थी उसका दिखा, जब बंदर आया था, जब बंदर आया था तब, हाँ नहीं बंदर आया था सच में, तुम खोल क्यों कर रहे थे, मतलब तुम कितनी मीन हो यार, तुम कितनी मीन हो, कमरे की बालकनी तक क्या चलाना कद्दू, मेरे बच्चे को क्या देखना, देखो गले पे लिपस्टिक लगा के घूम रही है ना, तो मैं चलाऊं, मेरे बच्चा मम्मा पे ट्रस्ट करता है, कहता मम्मा मुझे यकीन, मेरे पे यकीन है इसको कि मैं चलाऊंगी, मम्मा चलाएगी अपनी रानी के लिए क्यों नहीं चलाएगी, ये आया मैं तोता मम्मा ने चला दिया, माँ आपकी बहू के 7 लाख लोगों का परिवार हो गया और एक वीडियो ट्रेंड पे भी गई है, पर ये केक जो है हम काटने वाले हैं, ये 700 केक का परिवार हो चुका है यूट्यूब पे आपकी बहू का 7 लाख का, ठीक है ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है, धन्यवाद सभी बच्चों को जो भी नए नए जुड़ते जा रहे हैं हमारी फैमिली में, बच्चे कुछ आपकी उम्र के भी हैं जो जुड़ रहे हैं, आपकी उम्र के भी, हमारा 45 तक का क्राउड है, खुशी बहन इसका भी सिल्वर प्ले बटन जल्दी से करवाओ, इसका भी जल्दी सिल्वर प्ले बटन आया घर में, सुंदर लग रहे हो, चलो आप काटेंगे ये केक, 3 लाख करोड़ तक गोल्डन बटन आ जाएगा जो कि बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके ऊपर अक्षय वो ब्लॉग वाले चैनल पे नहीं है ना उस पे हो गए। आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, आप इससे केक है जैसे मर्जी खाना आप करो, ये लो ये होता है जब पार्टी पॉपर ऐसे बिखर जाते हैं ना, पार्टी सेलिब्रेशन तो होती है पर उसके बाद करना किसे पड़ता है, मायशू झाड़ू लगा रही है, मायशू झाड़ू लगा रही है, और ताता इसमें झाड़ू लगाओ, ताता कैसे लगाते हैं झाड़ू, मायशू को सब आता है भाई, उसके खाने पे मत करियो, दी दी करना दी, अच्छे से सफाई कर रही, देखो अपनी 700K की पार्टी दे दी, सभी डाइट पर है, पापा को बाहर का पिज्जा खाना नहीं होता है, कामाक्षी और मम्मी लगे हुए हैं, ये देखो मम्मी ये एंजॉयिंग पिज्जा चीज बस, कामाक्षी मायशू को हम दे नहीं सकते क्योंकि हमने रेड पेपर वाला मंगाया, खुशबू दीदी और मैं डाइट पर है तो मैं और मुंह देख रहे हैं, और ये हमारी छोटी जच्चा है तो जच्चा का अलाउड नहीं है ये खाना, क्योंकि छोटी जच्चा नहीं, जच्चा छोटी नहीं, नई जच्चा मतलब ये हमारी नई मदर है और इनको भी अलाउड नहीं। That was it for this vlog guys, माशा सो गई है आज, वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी सोई है, वैसे मैं बता दूँ 9:15 हो रहे हैं और मुझे बहुत टेंशन है क्योंकि अगर माशा जल्दी सो जाती है 10:30-11 बजे से पहले सो गई तो ये सोचो कि रात में उठना फिक्स है, और अगर नहीं उठी 1% चांस रात में वो नहीं उठती है तो सुबह 7 बजे तांडव कर देगी, और मेरा उठने का टाइमिंग है 8:15, लेट्स सी, पर हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि वो बहुत नींद में थी, इसलिए मैंने कहा चल कोई बात नहीं बच्चा सो गया 9:15 बजे सो गया, पर मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है, हम सबके पास बहुत अच्छा टाइम है एक्चुअली दीदी और हम सबके, तो हम लोग एक अच्छा सा मूवी टाइम स्पेंड करेंगे, और मुझे कुछ मेल्स एंड वीडियोस प्लान करनी क्योंकि फेस्टिव टाइम आ रहा है, तो आप अपने कमेंट में ना आइडियाज़ दे सकते हो आप मेरे शाइस्टर्स पे क्या क्या देख सकते हो, एंड यस और दीदी के चैनल पे भी आप कुछ फेस्टिव एप्रोप्रिएट अगर खाने का देखना चाहते हो, क्योंकि दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो अगर आप फेस्टिव एप्रोप्रिएट कुछ भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, अदरवाइज़ आप उनके चैनल पे भी जाके बता सकते हो, चैनल का नाम है
क्रेजी 3 जिसमें ये सबसे बड़ी क्रेजी है भैया, हम बता नहीं सकते। एंड हेट कमेंट देना बंद करो ओके। चलो मैं यही बोलने वाली थी, मैं बोल रही थी मेरे को बोलने दे। अच्छा। हम इसके रूम में जबरदस्ती नहीं बैठती, हमें लाती है कि हमारे एक सेकंड एक सेकंड एक से आप खुद भी नहीं आते हमारे लिए, मेरे लिए या अपना दिल आती हूं ना तो फिर। लेकिन लोग ये लिखते हैं कि प्राइवेसी नहीं देते तुम इन्हें, तुम इनके क्या कहते हैं में पड़े। मयंग इस टाइम पे होता नहीं है बाय द वे, तो इसमें प्राइवेसी जैसा कुछ भी नहीं है। मयंग यूजुअली 10:30 बजे आता है, तो जब तक हम अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और जब हमें प्राइवेसी चाहिए होती वो दम हम ले लेते हैं। ठीक है, चलो जी बाय बाय।